आज का चैप्टर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली दो डिवाइस का बीच में वार्तालाप को कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसा हम दोनों बात कर रहे हैं तो हमारा बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। कैसे हम बात कर रहे हैं? मुंह से। हमारा मुंह हो गया ट्रांसमीटर, तुम्हारा कान हो गया रिसीवर। तो एक कम्युनिकेशन हो गया दोनों का बीच में, जोगाजोग जो हो रहा है इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कैसे हो रहा है कम्युनिकेशन? दो टाइप का कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो है ये हो गया कम्युनिकेशन माध्यम, मीडियम, इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं। मीडियम दो टाइप का होगा, आइदर वायर होगा, दूसरा वायरलेस होगा, ठीक है। एक वायर है, वायरलेस। अच्छा, हम दोनों बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, तो इसमें कुछ वायर नहीं। वायर मतलब ओडिया बंगाली में है तार, ठीक है। तो हमको दोनों का बीच में कुछ वायर नहीं है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। इसमें हमारा मुंह हो गया ट्रांसमीटर, तुम्हारा कान हो गया रिसीवर। तो ये बीच में जो जा रहा है ये टेक्निकल वर्ड में इसको डाटा बोलता है, ठीक है। डाटा मतलब खाने वाला नहीं है, यहाँ पर डाटा मतलब सिग्नल, ठीक है। ये डिवाइस का बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए मीडियम का जरूरत है, तो एक इसको हम लोग वायर यूज करते हैं इस जगह पे, ठीक है। वायरलेस वाला वो अलग है, अभी वायर वाला चैप्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक डिवाइस ये हो गया, एक डिवाइस ये हो गया, दोनों का बीच में हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं वायर का थ्रू। क्या पास करना है? डाटा पास करना, बस सिग्नल पास करना। तो कम्युनिकेशन मोड जो है हमको जानना पड़ेगा। कम्युनिकेशन समझ में आ गया? दोनों डिवाइस का बीच में आपको उसमें वार्तालाप को कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन मोड तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक हो गया सिंप्लेक्स, दो हाफ डुप्लेक्स, तीसरा हो गया फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मतलब मास्टर बोलेगा और जो स्लेव है वो सुनेगा। जैसा इधर से एक डिवाइस हम बोल रहे हैं, तुम खाली सुनोगे, तुम जो बोलोगे हम सुनेंगे नहीं, एक तरफा हो गया। जैसा ये बोल रहा है ये खाली सुन रहा है, हमारा मुंह काम कर रहा है, तुम्हारा कान काम कर रहा है, तुम्हारा मुंह इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? जैसे रेडियो FM हम लोग सुनते हैं ना, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये लोग खाली बोल रहा है, हम लोग तो न्यूज सुनते हैं, तो वो लोग खाली बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम जो बोलेंगे थोड़ी ना सुनेंगे, हम लोग बोलते हैं उसका कान तक भी नहीं पहुंचेगा। तो ये रेडियो हो गया, ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। सिमिलरली हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा? सोचो एक डिवाइस है, दूसरा डिवाइस है, हम बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो, इसमें तुम भी बोलोगे तो हम भी सुनेंगे, मतलब हम डाटा ट्रांसमिट करेंगे, ये वाला डाटा रिसीव होगा, ये ट्रांसमिट करेंगे, ये भी रिसीव करेगा, लेकिन ये एट ए टाइम नहीं हो सकता। जिस टाइम मैं बोलूंगा उस टाइम तुमको पहले सुनना पड़ेगा, तुम उस टाइम बोल नहीं सकता। अगर तुम जिस टाइम बोलोगे हम उस टाइम सुनूंगा, हम उस टाइम बोल नहीं सकते। तो ये हो गया हाफ डुप्लेक्स। इसका एग्जांपल क्या होगा? वॉकी टॉकी, जैसे प्लांट में लोग यूज करते हैं वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी में क्या होगा? एक बटन दबाते हो, हेलो हेलो जो बोलना है बोल दिया, अगला वाला सुन लिया, फिर तुम छोड़ोगे वो उधर दबा के, हेलो हेलो जो बोलना है उसको बोला, तुम सुना। तो एट ए टाइम दोनों नहीं बोलता, तुम्हारा बात कंप्लीट होगा तो वो बोलेगा, तुम सुनोगे, तुम उसका बात कंप्लीट होगा तो तुम बोलोगे वो सुनोगे। ये हो गया वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में तुम जो बोल रहे हो जिस टाइम में, हम भी उस टाइम में ही बोल रहे हैं, तुम्हारा बात में हमको सुनाई दे रहा है, हम भी बोल रहे हैं, तुम एक सेट हो रहे हो मोबाइल फोन, जैसे हम जिस टाइम में बोल रहे तुमको सुनाई दे रहे हैं। तो मोबाइल जो है फुल डुप्लेक्स। तो तीनों मोड समझ पा गया होगा।
पहले ये जो कम्युनिकेशन में ये तीनों चीज हो गया, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये हो गया कम्युनिकेशन मोड। कम्युनिकेशन में फर्स्ट इनिशियली अगर कुछ चीज आता है वो होगा सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में क्या है, बड़ा सब थोड़ी ना है। अगर सीरियल कम्युनिकेशन कोई बोल देता है, हमारा साहब लोग तो बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, टेक्निकल लोग को समझ में नहीं आता हो सीरियल कम्युनिकेशन क्या चीज है। सीरियल कम्युनिकेशन कुछ नहीं, ये एक पोर्ट रहता है, देखना 9 pin DB कनेक्टर बोलता है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन है, लेकिन इसके लिए हम लोग वायर जोड़ेंगे तभी ना हो। इसमें वायरलेस तो नहीं बोला था, वायर वाला कम्युनिकेशन है। इसमें एक कनेक्टर यूज होता है जिसका नाम है 9 pin DB, ठीक है। इसको हम लोग सीरियल कॉम पोर्ट भी बोलता है, बस सीरियल पोर्ट भी बोलते हैं, तीन तरह का नाम उसको तुम बोल सकते हो। तो इसमें 9 pin है, ठीक। 9 pin का थ्रू हम बोलेंगे, तुम सुनोगे। अब बीच में वायर आ गया हमारा, तुम्हारा बीच में, हम लोग मुंह में बात नहीं करेंगे, वो पिन का थ्रू चलेगा, वायर का थ्रू चलेगा। जैसा एक डिवाइस है कंप्यूटर हो गया, इधर एक अलग सा मॉडर्न टाइप का कुछ डिवाइस हो गया, ये अलग कुछ डिवाइस हो गया, इसका पास भी 9 pin है, इसका पास भी 9 pin है, इसका बीच में 0 उतार गया, कम्युनिकेशन कर दिया। अब ये वाला जो कनेक्टर है ये दो टाइप का होता है, एक मेल वाला कनेक्टर, एक फीमेल वाला कनेक्टर। तो मेल वाला में क्या रहेगा, पिन रहेगा, और फीमेल वाला में वो पिन को उसमें घुसने के लिए होल रहेगा। तो मेल वाला में पिन रहेगा, इसमें होल रहेगा, ठीक है। तो 9 pin कनेक्टर का दो टाइप है, मेल कनेक्टर, फीमेल कनेक्टर, ठीक है। तो मेल वाला में पिन पर पिन रहेगा, फीमेल वाला में होल रहेगा, तो दोनों कनेक्टर में हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम रहता है, ये वाला कनेक्टर का साथ मेल वाला कनेक्टर के साथ अगर फीमेल वाला हम लोग जोड़ना चाहेंगे, इसके अंदर लगा के पुश कर देंगे, दोनों साथ लग जाएगा। तो इसका एक नंबर पिन, इसका एक नंबर पिन, इसका लग जाएगा, इसका दो नंबर पिन, वो दोनों का अंदर में टच हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो इसमें अगर हम मेल यूज करेंगे, पीसी में मेल रहता है, एक्चुअली पीसी में मेल ही रहता है कनेक्टर, किसी को पीछे तरफ देखना, एक मेल वाला कनेक्टर होता है। तो ये वाला जो केबल है, केबल का इस तरफ फीमेल यूज करेंगे, तो सेमली अगर ये वाला डिवाइस में मेल होगा, वायर वाला में फीमेल यूज करना पड़ेगा। डिवाइस में पोर्ट होगा तब ना हम कनेक्ट करेंगे, 9 pin DB पोर्ट होना चाहिए डिवाइस में, जैसे पीसी में है, पुराना दिन का पीसी में रहता था। अब तो उस पीसी में अब यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर आ गया, यूएसबी में लगा देंगे, उसका आगे में सीरियल कन्वर्टर रहता है, उसमें 9 pin DB पोर्ट रहता है, ठीक है। तो ये अब इसका साथ वायर जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इसका एक नंबर पिन और डिवाइस का एक नंबर पिन जुड़ गया, तो ऐसा सब 9 pin जुड़ गया। तो इस हिसाब से हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। हम लोग अभी ये एक एक पिन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है, क्या काम करता है हर एक पिन। तो मेल फीमेल का थ्रू कनेक्ट कर दिया, अब हर एक पिन का काम क्या है उनको जानना पड़ेगा। जैसा एक नंबर पिन का नाम है सीडी, दो हो गया RX, तीन हो गया TX, चार हो गया DTR,
एक एक पिन का एक एक नाम है इसमें, ठीक। पहले वाला का नाम है कैरियर डिटेक्टर, सीडी। कैरियर डिटेक्टर का काम क्या है, कम्युनिकेशन अगर होगा तो कम्युनिकेशन में यहाँ पे बात नहीं करेगा, इसमें वोल्टेज पास करेगा। सिग्नल जो है सम वोल्टेज है 5 वोल्ट हो चाहे माइनस 7 वोल्ट हो प्लस 7 वोल्ट हो, वो वोल्टेज पास करेगा, जो वोल्टेज दूसरा वाला डिवाइस रिसीव करेगा। तो ये वोल्टेज पास हो रहा है कि नहीं उसको खाली सिग्नल देगा ना, अभी चल रहा है कम्युनिकेशन, तो वो डिटेक्ट करेगा। इसका काम खाली यही है, मतलब एनेबल है हमारा जो डिवाइस है, कम्युनिकेशन है, कनेक्ट कम्युनिकेशन एनेबल, ये वाला एक खाली यही बताएगा हमारा कम्युनिकेशन है एनेबल। तो ये वाला सेम चीज जो है दूसरा वाला पोर्ट पे ये डिवाइस ऑन हो गया, यहां पे डिवाइस 2 लगा दूंगा तो वहां भी सेम रहेगा, एक नंबर सीडी, दो नंबर आरएक्स, तीन नंबर टीएक्स, चार नंबर डी टीआर, पांच नंबर ग्राउंड, छह नंबर डी एसआर, सात नंबर आरटीएस, आठ नंबर सीटीएस, आरआई, ठीक। दोनों डिवाइस में सेम है, तो सीडी का मतलब तुम समझ गया वोल्टेज मतलब एनेबल है कि नहीं तुम्हारा पोर्ट, वो बताएगा ये। दूसरा वाला का काम क्या है, ये है रिसीव है, आर मतलब रिसीव, वो सिग्नल दूसरा कोई सेंड करेगा तो हम उसको कैच करेंगे, तो ये इसका नाम है रिसीव। टीएक्स मतलब सिमिलरली ट्रांसमिट होगा, हम इससे ट्रांसमिट करेंगे कोई वोल्टेज। ये है डाटा टर्मिनल रेडी, ये ज्यादा यूज ही नहीं होता है, ठीक है, वो लो पावर मोड में यूज होगा, ज्यादातर यूज नहीं होता। पांच नंबर हो गया ग्राउंड, ज्यादातर ये तीनों चीज जो है हम लोग यूज करते हैं। छह नंबर का मतलब है डाटा सेट रेडी, चार नंबर का मीनिंग था डाटा टर्मिनल रेडी, छह नंबर का डाटा सेट रेडी, सात नंबर का आरटीएस का मीनिंग है रेडी टू सेंड, और सीटी का मतलब है क्लियर टू सेंड, आरआई हो गया रिंग इंडिकेटर, ठीक है। तो रिंग इंडिकेटर का काम क्या है, इसका थ्रू यूजर जो है वोल्टेज पास कर सकता है। अगर वोल्टेज तुमको एक स्टेशन टू स्टेशन पर 5 वोल्ट सोचो, मैं यहां से इसमें भेज दूंगा 5 वोल्ट, अलग कोई काम के लिए वोल्टेज चाहिए होता ना, तो ये वोल्टेज तुम इस वायर का थ्रू तुम इसमें भेज सकते हो, ठीक है। बाकी मेन जो है 1 2 3, ये तीन वायर से हम लोग कम्युनिकेशन हो जाएगा। बाकी एक एक का काम बता देता हूँ, इसका काम तो बता दिया सीडी का, ये रिसीव करेगा या ट्रांसमिट करेगा, ये तो ज्यादा यूज नहीं होता बताया कि तुम्हारा लो पावर मोड भी यूज होगा। ग्राउंड चाहिए कोई की अगर नॉइस सिग्नल है इसको ग्राउंड कर देगा, इसलिए ग्राउंड चाहिए। डाटा सेट रेडी जो है इसका नेम, जब सिग्नल हम लोग ट्रांसमिट करेंगे वो नॉर्मली 0 रहता है, इसको हाई नहीं करते, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल डिजिटल नहीं जाना से नहीं होगा। डिजिटल मतलब क्या, डिजिटल 0 1 1 इसमें काम करता है, 0 मतलब नहीं है, 1 मतलब है, ठीक है। तो इसको हम लोग बंद करके रखेंगे, 0 करके रखेंगे तो रनिंग चलता रहेगा कम्युनिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लो पावर मोड या कमांड मोड हम लोग यूज करेंगे इसमें, उसमें 1 करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका काम खाली यही है, नॉर्मल 0 रहेगा, अगर लो पावर मोड और कमांड मोड यूज करें वोल्टेज लेवल कम है तो उस टाइम में ये 1 करके छोड़ देंगे, और कुछ करने का जरूरत, ये दोनों का ये जो DTR और DSR का ज्यादा यूज ऐसा होता नहीं है, ये एक लो पावर मोड या कमांड मोड के लिए यूज होता है, ठीक है। बाकी ये दोनों जो है CTS RTS ये कभी कभी यूज कर लेते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन है जिसमें ये दोनों बिना नहीं होगा। इसमें क्या है, जो डाटा जो हम लोग पास कर रहे हैं किसका थ्रू पास कर रहे हैं, इसका थ्रू हम लोग सेंड कर रहे हैं TX का थ्रू। ये वाला पिन जो है TX पिन, हम लोग इसको फ्लो कंट्रोल करेंगे, इसको अगर हम लोग ये वाला पिन का अगर 0 रखेंगे मतलब बंद रखेंगे तो डाटा ऑल टाइम चलता रहेगा, डाटा हम सेंड कर रहे हैं सेंड कर रहे हैं। अगर इसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ कि हम अभी डाटा तुमको सेंड नहीं करेंगे तो इसको ऑन करके छोड़ देंगे, डाटा बंद हो गया,
फिर चलाना है तो जीरो कर देंगे, मतलब ये डाटा फ्लो को कंट्रोल कर सकता है ये वाला पिन आरटीएस, ठीक है। सिमिलरली सीटीएस जो है ये आरएक्स पिन को कंट्रोल करेगा, हम कितना लेंगे आर मेरे को चाहिए ना भी लेंगे तो इसको हम ऑन कर देंगे, अब फिर चाहिए मेरे को फिर इसको जीरो कर देंगे, आ जाओ डाटा आ जाओ, फिर दोनों को काम यही है बस। तो ये नॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग को इतना सारा चाहिए नहीं, प्लान में जो हम लोग रखते हैं उसमें उतना लग चेक नहीं, तो उसमें ये तीन पिन रहेगा, कौन सा कौन सा रहेगा, आरएक्स टीएक्स ग्राउंड, ठीक है। अच्छा से लिख लेते हैं, दो नंबर पिन चाहिए, तीन नंबर पिन चाहिए, पांच नंबर पिन चाहिए, दो नंबर आरएक्स, तीन नंबर टीएक्स, पांच नंबर ग्राउंड, ठीक है। तो जिस टाइम हम डाटा ट्रांसमिट करेंगे तो दूसरा वाला भी ट्रांसमिट नहीं करेगा ना, वो तो सुनेगा मतलब रिसीव करेगा, हम जब बोलेंगे तुम्हारा कान कुछ टाइम ऑन रखना चाहिए, तो रिसीव नहीं कर पाओगे, कान अगर बंद कर दोगे तो कैसे सुनोगे, तो वो कान में जाएगा, मैं जो बताऊंगा ट्रांसमिट वाला सिग्नल, मुंह में मुंह ट्रांसमिटर हो गया, कान रिसीवर हो गया, मुंह से छोड़ा तुम कान से लिया, तो ये उसका काम हो गया। तो ट्रांसमिट वाला केबल जो है इसका साथ जोड़ना है, जो पिन वायर जब हम बनाएंगे तो दो नंबर पिन का साथ तीन नंबर पिन, इसका दो इसका तीन का साथ सोल्डरिंग मारेंगे, जॉइंट कर देंगे। सिमिलरली इसका टीएक्स जो है इसका रेस का साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जब बताएगा ये सुनेगा, और ग्राउंड का साथ ग्राउंड का साथ ग्राउंड रहेगा, ठीक है। नॉइस सिग्नल जो है ग्राउंड में चला जाएगा, तो क्लियर सिग्नल जो है पास होगा, मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, तुम बोलोगे मैं सुनूंगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन हमारा हो गया, तो कम्युनिकेशन के मतलब तुम दोनों का बीच में वार्तालाप जो है हो गया। तो ये हो गया आरएस 232 का 9 पिन डीबी सीरियल कम्युनिकेशन का। सीरियल कम्युनिकेशन में तीन चीजें, एक बता दिया अभी आरएस 232, इसमें दो तीन और पांच नंबर पिन यूज होता है, दूसरा है आरएस 422 और तीसरा है आरएस 485। तो आज आरएस 232 बता दिया कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो ओवरली एक बार बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आरएस 422 485 बताएंगे, तो एक बार ओवरली बता देते हैं क्या क्या हम लोग सीखे। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, दोनों डिवाइस का बीच में वार्तालाप कम्युनिकेशन बोलता है, उसमें टेक्निकली यूज होता है ट्रांसमिट और रिसीव वाला फॉर्मूला रहता है। कम्युनिकेशन मोड तीन सीखे, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स में दो है, सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का एग्जांपल हम लोग पता है रेडियो टीवी, वो खाली बोलेगा हम सुनेंगे। हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी हो गया, हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी हो गया, जैसा हम जब बोलेंगे तुम तब बोल नहीं पाओगे, तुम जब बोलोगे हम तब बोल नहीं पाएंगे, वन वे कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स में मोबाइल फोन हो गया। और नेक्स्ट सीरियल कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़े आरएस 232, उसमें हम लोग सीखे कि 9 पिन डीबी कनेक्टर, 9 हार्ड पिन का काम क्या क्या है, कैसे कम्युनिकेशन होता है। आरएस 232 में 2, 3 और 5 वाला पिन यूज होता है, बाकी पिन कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाता है, नॉर्मली टेक्निकली हम लोग। ओके।